भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला अध्यक्ष पद के लिए घोषित प्रत्याशी रंजना चौधरी का बछरावा में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया और फूल मालाओं से लादकर उन्हें जीत की अग्रिम बधाई दी गई। आपको बता दें कि रायबरेली जिला अध्यक्ष पद के लिए रोहनिया प्रथम से जिला पंचायत सदस्य पद की विजयी प्रत्याशी रंजना चौधरी को पार्टी द्वारा अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। रंजना चौधरी उच्च शिक्षित माँ LLB व BED जैसी डिग्रियों के द्वारा उच्च शिक्षित है। पिछले चुनाव में भी वह जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव जीत चुकी है। इस बार उन्होंने 1106 वोटों से अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर विजयी श्री हासिल की थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीमती चौधरी ने कहा कि वह अपनी जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबका साथ सबका विकास जैसी नीतियों को देने के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करती हैं। इन सब के कारण ही उनको यह जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सम्मानित जिला पंचायत सदस्य अपना बहुमूल्य मत देकर उन्हें विजयश्री दिलाते हैं तो वह जनपद का पूर्ण विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के मूल मंत्र सेवा ही संगठन को उद्देश्य बनाकर काम करेगी। कहा सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं इसके लिए न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। मैं रंजना चौधरी जिला पंचायत सदस्य रोहिणी प्रथम से जीत के आई हूँ। इसमें सबसे बड़ा हाथ जनता का और जनता का आशीर्वाद था हमारे साथ। मैं उनके विश्वास को हमेशा अपने कार्य शैली के माध्यम से ही अपने जनता को के विश्वास को जीतूंगी जी। और इसके पहले मैं ऊँचा हाथ तृतीय से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ। इसमें हम सबसे बड़ा सहयोग जनता का था और जीतने के बाद हमें जो ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें अध्यक्ष के लिए चुना है, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने यहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और इसके साथ साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्ष जी को और सभी सदस्यों को भी, और सबसे ज़्यादा मैं अपने जनता का आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें इस लायक चुना गया है। जय भाजपा, जय भारत, जय भाजपा।